Hi everyone, welcome back to my channel. It's Samora. So today I'll be sharing you guys this Diwali makeup look tutorial. ये बहुत ही ज़्यादा simple, easy and quick है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. So without any further delay, let's check out my video. सो अभी मैंने मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. सो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी. अच्छा सा कोई भी आप मॉइस्चराइज़र उठा लो अपनी पसंद का, और मॉइस्चराइज़ करना है अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि सर्दियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी प्राइमर, और प्राइमर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं प्राइमर भी अप्लाई कर लूँगी. ओके, सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी इल्यूमिनेटर, एंड ये मैंने लिया है स्टेक वर्की का. और मुझे थोड़ा सा जो नाइट का मेकअप होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा ग्लोई मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नाइट वाला जो मेकअप हम करते हैं. एंड तो मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ना जो हम फ़ोटो क्लिक करते हैं वो बहुत ही अच्छी आती हैं, मुझे ऐसा लगता है. ओके, सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी कंसीलर, और कंसीलर के बाद यहाँ पर मैंने फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि फाउंडेशन से थोड़ा सा हैवी हो जाता है मेकअप, मुझे ऐसा लगता है. इसलिए मतलब थोड़ा सा एक और लेयर हो जाती है ना फेस पे, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कंसीलर वैसे अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे एंड नेक पे. एंड देन इसको सेट कर लूँगी मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट से, जो कि मैंने लिया है मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट. नेक्स्ट मैं फिल इन कर लूँगी आईब्रोज़ को. यहाँ पे मैंने पैलेट यूज़ किया है आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए, जो कि स्विस ब्यूटी का है, एंड ब्रश लिया है मैंने एंगुलर शेप का, उसी से मैं फिल इन कर लूँगी आईब्रोज़ को. देन स्पूली की हेल्प से इन दोनों को सेट कर लूँगी. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेडिश शेड पिक किया है, एंड इसको फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत ही लाइट अप्लाई करूँगी मेरे आईज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी आई मेकअप करके आई डोंट थिंक सो कि कोई दिवाली मनाता होगा, और मनाता भी होगा तो वो उसकी चॉइस है, बट मुझे थोड़ा सा लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट मेकअप करने की कोशिश की है. एंड देन यहाँ पे मैं लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, और थोड़ा सा बहुत छोटू सा बिंग मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और फेक फॉल्सेस नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होता होगा कि वो फेक फॉल्सेस लगाने के लिए बैठेगा दिवाली के टाइम पे, बहुत ज़्यादा काम होता है ना उस टाइम पे क्योंकि. और नेक्स्ट उसके ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगी ये लैरी रोडा का लाइनर, जो कि ग्लिटर लाइनर है, गोल्डन ग्लिटर में है. नेक्स्ट मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लश, और यहाँ पे मैंने ब्लश के लिए लिया है सुगर कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्लश इन दी शेड 02, और ये बहुत ही पीची शेड में है, बहुत ज़्यादा रेड शेड में नहीं है, बहुत ज़्यादा पिंक ऑरेंज में नहीं है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट मैं कर्ल कर लूँगी थोड़ा सा मेरी लैसेस को, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिक फॉल्सेज नहीं अप्लाई की ना, तो अब मैं अप्लाई कर लूँगी मस्कारा, जो कि है स्विस ब्यूटी का. बहुत ही लाइट मेकअप मैंने क्रिएट किया है, बट ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये ना बहुत ही सिंपल है. मुझे इस तरीके के जो लुक क्रिएट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और आपको भी पसंद आएगा मुझे पता है. तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है, और जो हाइलाइटर लिया है मैंने स्विस ब्यूटी ब्रिक हाइलाइटर लिया है, और इसके बाद मैं ये रेड शेड वाली लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी. इसके अलावा मुझे कोई और पसंद ही नहीं आती यार, ऐसा क्यों होता है. चलो ये ज्वेलरी मैंने वेयर की है विच इज़ फ्रॉम मीशो, और मीशो से बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिल जाती हैं. सो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक गाइस. अब आपको बताना है कि कैसा लगा मेरा लुक और कैसा लगा मेरा वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सो क्या करना है आपको, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, तो उनको भी तैयार होना पड़ेगा, तो जल्दी से उनको शेयर करना. और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और वीडियो को लाइक करते हुए जाना. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.